हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में गॉस के नियम का अनुप्रयोग। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, चालक गोले के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाले थे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, प्रीवियस वीडियो में सॉरी, और चालक गोले के कारण। और आज हम लोग देखने वाले हैं गॉस के नियम का तीसरा प्रयोग, जो कि समतल सीट के यानी कि आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कोटेशन जो है आपके साथ दमदार होना चाहिए। ये मनीष मिश्रा द्वारा एडवाइज है, देखोगे क्या है कोटेशन, अपने लाइफ में लाने का प्रयास करोगे दोस्तों। ठीक है, कोटेशन इस प्रकार है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर की भी भगवान नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट अनुप्रयोग का। ठीक है, अनुप्रयोग नंबर थर्ड। तीसरा अनुप्रयोग है गॉस के नियम का। ठीक है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग बहुत आसान है। इस चीज को ध्यान में मन से पूरा वीडियो देखिएगा दोस्त। ठीक है, क्या है, आवेशित परत, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आवेशित परत बोलिए या समतल सीट के कारण हम बोल सकते हैं कि समतल सीट है और ये समतल सीट के कारण जो है, और ये समतल सीट कैसा है, आवेशित है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखना है, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र को देखेंगे, या आवेशित जो है समतल सीट है उसके कारण हम लोग देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है किसी बिंदु पर। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, ये आपका आवेशित परत है। आसानी से मन से देखोगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपका एक सीट है और ये जो सीट है इसके इस बिंदु पर यानी कि बिंदु P पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो कहने का मतलब है कि आवेशित परत या समतल सीट पर जब हम किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि भैया सबसे पहले इसका डायरेक्शन निकालना होगा। देखिए, ये आपका समतल सीट है, ये आपका समतल सीट है और ये समतल सीट जो है अनंत है। समतल सीट कैसा है, अनंत है। इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये समतल सीट अनंत पर है, नीचे से, ऊपर से, अगल से, बगल से, और इस बिंदु पर, कहने का मतलब क्या है, इस बिंदु पर आपका एक सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से जस्ट लंबवत किसी बिंदु पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये सीट आपका ये दिख रहा है, ये सीट आपका दिख रहा है, ये सीट इस तरह से रखा हुआ है और इस सीट पर, इस बिंदु पर यानी कि इसके जस्ट सेंटर से एक लाइन गया है और वो बिंदु P से स्थित है और उस पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसको निकालने से पहले आपको क्या करना होगा कि इस समतल जो आपका सीट है, ये समतल सीट अनंत है, ये समतल सीट क्या है दोस्त, अनंत है, और ये समतल सीट पर जो है आपका बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। लेकिन आपको ये चीज निकालने से पहले आपको क्या करना है, निकालने से पहले आपको निकालना होगा कि दिशा किधर की ओर है, डायरेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिशा निकाल लेते हैं दोस्त। ठीक है, तो यहां पे ये चीज बना दीजिए आप, ये आवेशित है आपका, धन आवेशित गोला है, ये समतल सीट है और इस समतल सीट के किसी बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र को। मन से देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो पूरा पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत आसानी से समझिएगा दोस्त। ठीक है, ये आवेशित आपका सीट है
ये आपका शीट पर चार्ज दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर मान लिया जाए कि अगर डायरेक्शन अगर हमको किसी चीज पर निकालना होगा, यानी कि इस सीट पर निकालना होगा, तो इस सीट पर डायरेक्शन निकालने से पहले आपको एक छोटा छोटा अल्प एरिया लेना पड़ता है, यानी कि अल्पांश लेना पड़ता है। तो मान लीजिए कि ये समतल सीट है, ये समतल सीट जो है इस तरह से एरिया ले लेंगे, ये आपका एरिया हो गया, यानी यहां से भी और यहां से भी ये एरिया लेंगे, और इस एरिया के द्वारा यानी कि इस सेंटर से इस पॉइंट पर, तो इसके द्वारा बना विद्युत क्षेत्र, इसके द्वारा बना विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर आएगा, तब हम लोग क्या देखेंगे, इसका डायरेक्शन निकालेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, घटक को देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए अल्पांश दूरी ये निकाल लीजिए, ये अल्पांश दूरी है दोस्त, ठीक है, ये भी आपका अल्पांश दूरी है, सही है। अब कह रहा है कि अल्पांश दूरी ये आपका डी एस मान लीजिए, ये भी आपका क्या है, डी एस मान लीजिए। ठीक है, अब ये अल्पांश दूरी के कारण, या डी क्यू मान लीजिए, छोटा है तो डी क्यू भी मान सकते हैं, पहली सी डी क्यू मान लीजिए। अब यहां पे कह रहा है कि इसके कारण इससे बना विद्युत क्षेत्र और इसके कारण इस पर बना विद्युत क्षेत्र, वो जाकर के पॉइंट पी पर जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, देखिएगा, आपको पता है कि ये जो चार्ज है, आवेश जो है प्लस है, और प्लस क्या करता है, अपने से दूर जाने का प्रयास करेगा, प्लस जो है अपने से दूर जाने का प्रयास करेगा। तो जस्ट लाइक दिस, इससे जो विद्युत क्षेत्र बना, वो विद्युत क्षेत्र ये बिंदु पर बन गया दोस्त। ठीक है, साथ ही साथ इसके द्वारा जो बना, इसके द्वारा जो आपका बना विद्युत क्षेत्र इस तरह से बन गया दोस्त। तो कहां मिला जाकर के, ये जाकर के मिला बिंदु पी पर, सीधी सी बात है। इसके द्वारा जो घटक तैयार हुआ, वो घटक क्या होगा, सपोज दैट मान लीजिए कि इसके द्वारा जो घटक तैयार हुआ, तो अगर मान लिया जाए कि ये अगर आपका थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो यहां पे देखने को यही मिल रहा है कि ये जो है थीटा, यानी जस्ट थीटा की ओर, या जस्ट थीटा की ओर, यानी कि जिस लाइन से थीटा की ओर कोई घटक है, तो कौन सा घटक होता है, वो घटक होता है कॉस थीटा के रूप में, किस रूप में होता है, कॉस थीटा के रूप में। तो इसका जो डायरेक्शन हो गया, वो डायरेक्शन डी इधर की हो गया, इसका जो डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर हो गया विद्युत क्षेत्र का। तो इसके द्वारा जो घटक तैयार हुआ, ये घटक हो गया डी ई कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। ठीक है, इसके द्वारा जो घटक हुआ, ये भी क्या होगा, डी ई कॉस थीटा। स्वाभाविक है कि दोनों जो है थीटा की तरफ है, दोनों इस तरह से है, तो जिधर थीटा की तरफ विद्युत क्षेत्र की स्थिति होता है, वो कॉस थीटा के रूप में होता है, और जो इससे दूर जाएगा, वो क्या होगा, साइन थीटा के रूप में। ये स्थिति बन जाएगा इसका, देखिए स्थिति आपका बन गया साइन थीटा के रूप में, एक्सिस ये हो गया, तो ये क्या हो गया, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। यहां से आपको एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है कि ये डी ई ऊपर की ओर है, ये डी नीचे की ओर है, यानी कि इसके कारण जो होगा साइन थीटा इधर की ओर, इसके कारण जो साइन थीटा इधर की ओर, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके कारण जो होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ डी कॉस थीटा जो है एक ही लाइन पर है, विद्युत क्षेत्र का जो स्थिति है जो एक ही लाइन पर है, तो ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिला, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन मिल गया कि बिंदु पी पर क्या था। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है। तो इसका जो हम कैलकुलेशन निकालेंगे, ये आपका फिगर है, इस फिगर के द्वारा हम कैलकुलेशन निकालें, तो स्थिति जो बना विद्युत क्षेत्र का इस तरह से बना, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज के कारण क्या बना, ये देख लीजिए आप, पॉजिटिवली चार्ज के कारण जो स्थिति बना, वो जो है इसके लिए इधर की ओर, और इसके लिए इससे दूर, यानी इस सतह के लिए अलग अलग हो गया, ये क्षेत्र बन गया। ठीक है, और ये हमको जब इसलिए निकाला गया
क्योंकि हमको निकालना है आवेशी परत के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी समतल सीट के कारण जो है बिंदु पी पर निकालना है क्या चीज, विद्युत क्षेत्र को निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हमको पता चल गया कि बिंदु पी पर का डायरेक्शन यानी विद्युत क्षेत्र का जो स्थिति है वो किधर की ओर है, फाइनल है। अब जो है नेक्स्ट जो फिगर देखेंगे, ये फिगर इस तरह से होगा, देखिएगा, एकदम फिगर होगा दोस्त, और इस फिगर पे आवेशित आवेशित ये आपका सीट है, परत है, बहुत आसानी से हम लोग इसको पूरा वीडियो देखिए पूरा पूरा समझ में आ जाएगा एकदम, बहुत आसानी ये टॉपिक। ठीक है, ये आवेशी सीट है, अब इस आवेशी सीट से आप देख रहे हैं कि किसी बिंदु P पर निकालना है, तो बिंदु आपका P क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, वेरी इजी। इसके लिए हम लोग क्या करना होता है कि किसी बिंदु पर अगर हमको निकालना होगा तो हमको गॉस के नियम से निकालना होता है, गॉस का पृष्ठ निकालना होता है, यानी गॉस का पृष्ठ बनाना होता है, किसके कारण, यानी कि ये बिंदु P पर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, गौसीय पृष्ठ का निर्माण करना होगा। तो इसके लिए जो गौसीय पृष्ठ बनेगा वो इस तरह से बनेगा दोस्त, मन से देखिए फिगर को, ठीक है, ठीक है, इसके लिए आपका ये बना, आई होप ये फिगर आप समझ रहे हो, हमको क्या करना है इस सेंटर से इस बिंदु P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखना है कि इसका डायरेक्शन, अगर बात करें कि इसका डायरेक्शन कहाँ है, किधर की ओर विद्युत क्षेत्र, इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र का जो स्थिति होगा क्या होगा, इससे दूर जाएगा, डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे तो इससे दूर चला गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, दूर चला गया, ई वेक्टर क्या हो गया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पे अगर हम छोटा एरिया की बात करें, छोटा एरिया के लिए जो आपका होगा वो क्या होगा, प्लस से दूर, यानी इसके लंबवत ही होता है, तो जो डीएस बनेगा वो डीएस क्या होगा, डीएस जो बनेगा इसी के लंबवत बनेगा। ठीक है, अब ये तो आपका समतल सीट हो गया, इसको लिखेंगे समतल, समतल सीट वन कर दीजिए, इसको कर दीजिए समतल सीट टू कर दीजिए। ठीक है, इसको जो है वक्रीय बोलिए, इसके कारण वक्रीय, इसको जो है वक्रीय बोलिए। अब ये हर एक स्थिति में हम लोग देख लेंगे कि वक्रीय जो है ये है वन और ये मान लीजिए टू है, अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की स्थिति होगा इसके जस्ट लंबवत होगा, तो इसके कारण कैसा बनेगा, इसके कारण कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वक्रीय पृष्ठ वन के लिए जो आपका स्थिति बनेगा तो प्लस के कारण जो होगा, प्लस के कारण क्या होगा, इधर की ओर बनेगा, तो विद्युत क्षेत्र का स्थिति क्या होगा, इधर की ओर हम लोग बना देंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का स्थिति क्या होगा, इधर की ओर होगा, और इसके जस्ट ये वक्रीय पृष्ठ के जस्ट लंबवत, तो लंबवत आपका वक्रीय पृष्ठ का लंबवत क्या होगा, ये होगा, यानी कि ये आपका डीएस होगा, यहां पे लिख लो इसको, ये कर लो वक्रीय पृष्ठ वन। ठीक है, तो इसके लिए लंबवत क्या होगा, इसके द्वारा जो बना कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, सेम कंडीशन इसमें भी होगा, इसके लिए जो बनेगा विद्युत क्षेत्र स्थिति इधर की ओर। ठीक है, यानी कि इसके जो क्षेत्रफल एरिया होगा ये भी बनेगा किधर, इधर ही हो रहा है, डीएस ये होगा ई वेक्टर, ये डीएस वेक्टर, और ये वक्रीय पृष्ठ के लिए जो अब हम निकालेंगे तो वक्रीय पृष्ठ के लिए क्या बनेगा, ये जो है प्लस के कारण दूर जाता है विद्युत क्षेत्र तो इधर बन जाएगा, अब इसके जस्ट लंबवत जो स्थिति होगा ये क्या होगा, इधर की होगा,
इससे बना कोण क्या होगा 90 डिग्री। वेरी इजी। अब यहां पर हम लोग इस चीज को समझेंगे बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए ये आपका दिख रहा होगा एक समतल सीट है, और इस समतल सीट पे ये आपका एक गोला दिख रहा है, दिख रहा है। इस गोला यानी कि ये समतल गोले पर हमको देखे कि इस पर जो है कितना विद्युत क्षेत्र जाकर के किसी बिंदु पर बनता है। तो यहाँ पे हम इस एरिया की बात बोलेंगे, तो इस एरिया को हम लोग क्या मान लिए, समतल वन मान लिए। देखिए समतल वन मान लिए, तो इसके सेंटर पर यानी कि यहाँ पर इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र का स्थिति होगा, इसके लंबवत होगा यानी कि यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो एरिया होगा ये एरिया भी इसी लाइन में होगा। देखिए डीएस यहाँ पे, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि इस गोले पर यानी इस गोले की समतल सीट पर आपका क्षेत्र इधर बन गया, एरिया बन गया, इधर बन गया। अब यहाँ पे इस सरफेस की बात बोल रहे हैं, यानी कि ये जो सरफेस है ये वक्रीय पृष्ठ है, जस्ट गोला की बात बोल रहे हैं। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र का स्थिति होगा, वो विद्युत क्षेत्र का स्थिति क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र का स्थिति क्या दिख रहा है आपको, इधर की ओर दिख रहा है। देखिए फिगर इधर की ओर दिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसका एरिया की बात बोले, छोटा अल्पांश दूरी की बात बोलेंगे या छोटा अल्पांश एरिया की बात बोलेंगे, तो इसके लंबवत यानी कि इस वक्रीय पृष्ठ के लंबवत जो है आपका डीएस क्या होगा, ऊपर की ओर। देखिए ऊपर की ओर है, सेम कंडीशन इधर के लिए भी। देखिए इधर के लिए भी ये गोला गोला है, और इस गोले के जस्ट लंबवत आपका विद्युत क्षेत्र की स्थिति इधर की ओर, एरिया भी आपका क्या होगा, इधर की ओर अल्पांश। और इसके द्वारा जो है वक्रीय पृष्ठ के द्वारा क्या होगा, इधर की ओर ई बन रहा है और इधर की ओर ई बन रहा है। यानी कि ये फिगर आपको जस्ट आपको दिख रहा होगा, ये फिगर देखिए आप इस फिगर को, ये आपका ये पृष्ठ है, समतल सीट है, और इस समतल सीट के जस्ट एक गौसीय पृष्ठ का निर्माण किया। इस गौसीय पृष्ठ के द्वारा हम लोग बिंदु पी पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम देखें कि स्थिति ई की इधर की ओर है, डीएस भी इधर की ओर है। ये वक्रीय पृष्ठ पर हम देख रहे हैं कि ई इधर की ओर है, डीएस उधर की ओर है। इसमें भी ई क्या होगा, इधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा डीएस। इसमें क्या होगा, जस्ट उधर होगा, यानी कि उधर होगा। इस प्लस के कारण जो स्थिति बन रहा है वो सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी कि स्थिति यहाँ पे ई वेक्टर यहाँ पे लिख लीजिए, इसका ई वेक्टर इधर, डीएस इधर होगा, इसका ई वेक्टर इधर की ओर होगा, और डीएस आपका ऊपर की ओर होगा, दिख रहा है। वेरी इजी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सभी पृष्ठ का यानी समतल वन, समतल टू, बकरीय वन, बकरीय टू को सभी को हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग निकालते हैं फ्लक्स की क्या होगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ का हम लोग निकालते हैं। तो फाई बराबर आपको पता होता है या पता है कि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बकरीय लिख लें, बकरीय वन बकरीय टू का निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद समतल वन और समतल टू का निकालेंगे, यानी सबको ऐड कर लेते हैं। फाइव बराबर फाइव लिखेंगे, बकरीय वन प्लस फाइव बकरीय टू, फाइव समतल वन, फाइव समतल टू की बात बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे फाइव बकरीय वन के लिए जो है आपका क्या हो जाएगा स्थिति, वन के लिए जो स्थिति हुआ वो फाइव बराबर क्या होता है, ईडीएस। फाइव बराबर क्या होगा, तो बकरी वन के लिए जो होगा समाकलन ईडीएस, डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्त, ईडीएस क्या होगा, जिधर थीटा होता है उधर की ओर कौन बनता है, तो कॉस थीटा प्लस समाकलन ईडीएस कॉस थीटा प्लस समतल के लिए भी समाकलन ईडीएस कॉस थीटा प्लस समतल टू के लिए समाकलन ईडीएस कॉस थीटा। अब यहां पे आपको सामने दिख रहा है कि कॉस जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति पर हम क्या देख रहे हैं कि इस स्थिति पर जो थीटा का कोण है, थीटा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, जीरो, क्योंकि एक ही लाइन में है। इसमें देख रहे हैं कि थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर आपका 90 डिग्री है, इसमें क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो यहां पे हम लोग पुट कर सकते हैं कि थीटा का मान कितना है, तो वेरी इजी, समाकलन ई डी एस कॉस 90 डिग्री, सेम कंडीशन इसमें भी समाकलन ई डी एस कॉस 90 डिग्री, बकरीय वन के लिए बकरीय टू के लिए दोनों में क्या 90 डिग्री कौन बन रहा है, प्लस में EDS cos 0 डिग्री समतल वन के लिए प्लस समाकलन EDS cos 0 डिग्री। तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो।
तो यहां पे क्या होगा कि ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया, ईडीएस कॉस 0 डिग्री, ईडीएस कॉस 0 डिग्री हो गया दोस्त, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, नेक्स्ट इसका डेरिवेशन करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा, चाहे यहां पे देख लीजिए, वेरी इजी, यहां पे देख लीजिए, ये चीज पे यहां पे देख लीजिए। तो फाइव बराबर हम लोग फाइनल लिख सकते हैं कि फाइव बराबर जो होगा वो समाकलन ईडीएस, ठीक है, ईडीएस कॉस कॉस 0 डिग्री मान का होता है 1 होता है, प्लस समाकलन ईडीएस, तो ईडीएस ईडीएस आपका क्या हो जाएगा 2, ईडीएस ईडीएस क्या होगा 2 हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करेंगे, यहां पे भी संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लीजिए आप लोग भी, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लीजिए दोस्त, आई होप कि आपको समझ में आया, संपूर्ण पृष्ठ का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ये समाकलन ईडीएस प्लस समाकलन ईडीएस, तो समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, दोनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए, जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद जो आया, जोड़ने के बाद जो आया वो 2 आया, क्या आया 2 समाकलन ईडीएस, ठीक है। तो यहां पे ई भी कांस्टेंट टर्म है, तो अगला टर्म में क्या लिख देंगे 2e समाकलन ds, तो ये समाकलन ds करने का मतलब क्या होगा, यानी मान लीजिए कि अगर वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार भाग है, इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या इतना मान लीजिए, मान लीजिए कि s है, तो phi ds बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए s है, छोटा के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पे कि वृत्ताकार, यहां पे लिखो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल एस है, माना कर दीजिएगा, माना वृत्ताकार भाग का, यानी वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना मानना है, एस है। तो यहां पे फाई डीएस जो है, फाई यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात बोल रहे हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का कितना माने, फाई डीएस बराबर क्या मान लेंगे एस, तो ये फाई डीएस को हम लोग इस डी फाई डीएस के जगह पर क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो फाइनल जो आपका यहां पे आया कि फाई बराबर जो बना, फाइव बराबर 2es, ये आपका इस गोलाकार पृष्ठ का फाइव यानी 2es आ गया दोस्त, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बनके तैयार हो गया, यानी इतना बिंदु क्षेत्र जो है बिंदु P पर आएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है, आई होप कि आप समझ रहे हो इसी चीज को पूरा, पढ़ले क्या करना है आपको, ये डायरेक्शन के लिए फिगर बनाना होगा, ठीक है, फिर ये इसका कंक्लूजन के लिए फिगर बना लीजिए, फिर इस चीज को और समझने के लिए, यानी कि हमको समतल सीट के लिए बनाना होता है, तो हम लोग क्या कहें, समतल सीट के लिए जो आवेशित है, अब इस आवेशित के कारण बिंदु P पर हमको निकालना था, तो जिस क्षेत्र, जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होता है उसके लिए हम लोग गौसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो ये गौसीय पृष्ठ कैसा बना, गोलाकार वृत्ताकार बन गया, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग इसका विद्युत क्षेत्र की स्थिति इधर की ओर, और इसका जो अल्पांश क्षेत्रफल होगा इधर की ओर होगा, इस स्थिति पर यानी समतल के लिए आपका इधर, इस समतल के लिए इधर की ओर, क्यों, क्योंकि प्लस से दूर जाता है विद्युत क्षेत्र, प्लस से दूर जाता है विद्युत क्षेत्र, इस स्थिति में बकरी की बात बोले तो इस, ये प्लस के कारण इधर की ओर, तो इसके लंबवत क्या होगा, इधर की ओर, ठीक है, दोनों स्थिति में हम लोग समझे। और इस चीज को हम लोग ऐड करने के बाद फाइनल जो फाई आया वो ई 2es आया, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया आप। मान लीजिए यहां पे देख लेते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहां पे हम लोग परिभाषा से, तो ये निकालिए, इसको लिख लीजिए परिभाषा से, सपोज परिभाषा से निकालिए, सॉरी लिख लो, परिभाषा से निकालिए। अब हमको निकालना है गॉस के नियम से, किस नियम से, गॉस के नियम से, हम चीज को निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे कि गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हम यहां पे विद्युत फ्लक्स को निकाल लिए इन परिभाषा से, और गॉस के नियम से निकालते हैं। तो आपको पता है कि गॉस का नियम क्या है, तो गॉस के नियम का जो फॉर्मूला होता है फाइव बराबर सिग्मा क्यू बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, ये तो पता है। तो आपको पता है कि ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा जो है क्या है, गॉसीय पृष्ठ, गौसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश को बोला जाता है। तो इस आवेश में परिबद्ध आवेश कितना है आपको जानना होगा, इस गौसीय, लिख लीजिए इसको, गौसीय पृष्ठ
में परिबद्ध आवेश है दोस्त, ठीक है, परिबद्ध आवेश है। अब यहां पे आपको ये जानना है कि गौसीय पृष्ठ के परिबद्ध आवेश, ये गौसीय पृष्ठ बना इससे परिबद्ध आवेश कितना क्या होगा, इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि गौसीय पृष्ठ के आवेश घनत्व तो अगर हमको पता चल जाए, तो आवेश घनत्व किसके लिए होता है, एकांक के लिए होता है, यानी कि एक पृष्ठ के लिए होता है, किसके लिए होता है, एक पृष्ठ के लिए होता है। तो एक पृष्ठ का अगर हम लोग निकालें तो इस जगह हम लोग लिख लूं कि गौसीय पृष्ठ का घनत्व, अगर गौसीय पृष्ठ का घनत्व निकालूं तो गौसीय पृष्ठ का जो घनत्व होता है यानी पृष्ठीय आवेश इसको बोलेंगे, वो होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है, ये पृष्ठीय आवेश कर दीजिए आप, सॉरी पृष्ठीय आवेश का घनत्व, ठीक है, आवेश बटा क्या होगा, क्षेत्रफल। तो आवेश बटा क्षेत्रफल होगा, तो एकांक के लिए निकालना है कि एकांक घनत्व आवेश क्या होगा, तो वेरी इजी, तो यहां पर हम लिखेंगे कि आवेश, आवेश क्या है, सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू के लिए यानी एकांक की बात बोले, एक छोटा यूनिट की बात बोले, तो इस मान लीजिए कि इस समतल सीट का एकांक यूनिट क्या होगा, ये मान लीजिए कि समतल सीट का एकांक यूनिट ये होगा, तो ये एकांक यूनिट जो हुआ, इस एकांक यूनिट को मान लेना है कि सिग्मा है, क्या मान लेना है, सिग्मा, और इस सिग्मा है तो इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, एस माने हैं तो एस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखे, आवेश सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा एस मानेंगे, तो ये जो सिग्मा क्यू है उसके जब हम लोग इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो फाइव निकला वो फाइव क्या हो गया, सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस समीकरण को हम लोग क्या मान लेना है, सेकेंड मान लेना है, ये समीकरण क्या था आपका, ये समीकरण आपका फर्स्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड दोनों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद ई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट आपका ये है और ये सेकेंड ये है, तो लिखेंगे टू ई एस बराबर सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम लोग को क्या निकालना है, यहां से हमको ई निकालना है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि एस और एस यहां पे काट दें, एस और एस क्या हो गया, कट गया, एस और एस क्या हो गया, कट गया। तो यहां से ई जब होगा, ई बराबर क्या होगा, टू इधर आएगा, तो सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट फाइनल। तो ये आपको दिख रहा है कि किसी समतल पृष्ठ से, किसी समतल पृष्ठ से आपका किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर निकालना होता है तो वो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट, टू इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझे, एक बार फिर से इसको रिवाइंड कर देते हैं। देखिए ये समतल सीट है, ये बिंदु पर आपको अगर किसी का विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि किसी बिंदु पर उसके लिए अल्पांश दूरी लेते हैं, अल्पांश एरिया को लेते हैं, तो इसके लिए अल्पांश एरिया लिए थे, इसके लिए अल्पांश एरिया, ये दोनों का जो विद्युत क्षेत्र का स्थिति जो बन रहा था वो बिंदु पी पर आ रहा था, यानी डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो यहां से हम लोग को पहले डायरेक्शन निकालना होता है, तो डायरेक्शन निकालिए कि विद्युत क्षेत्र का स्थिति किधर है, ठीक है। तो वो चीज देखने के बाद हम लोग जो है क्या किए कि किसी बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो उसके लिए हम गौसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो गौसीय पृष्ठ हम लोग निर्माण कर दिए। अब यहाँ पे इसके प्लस के कारण जो स्थिति बन रहा है, ये आपका प्लस के कारण का स्थिति है, प्लस कारण जो स्थिति बन रहा है वो क्या हो रहा है, इससे दूर जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की स्थिति क्या है, दूर जा रहा है। साथ ही साथ इसका जो क्षेत्रफल एरिया होगा, अल्पांश एरिया जिसको बाले बोलेंगे, ये प्लस के कारण जो होगा इस बिंदु से इस इधर की ओर ही होगा, ठीक है। इसके ऊपर बना कोण क्या होगा, जीरो डिग्री। ये आपका समतल वन की बात बोल दिए, समतल टू में भी वही होगा, यानी प्लस के कारण ये इधर की ओर जा रहा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी अल्पांश जिसको हम लोग बोलेंगे एरिया, डीएस हो गया, इधर की ओर बनाया, तो यहाँ पे भी थीटा बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया, थीटा बराबर क्या लिखिए, जीरो। अब यहाँ पे इस वक्रीय पृष्ठ पर बात कर रहे हैं, ये दोनों वक्रीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो वक्रीय पृष्ठ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे इधर क्यों होगा और डीएस क्या उधर क्यों, किसके द्वारा बना पर क्या होगा, 90 डिग्री, जस्ट इसका वही हाल होगा, यानी किसके द्वारा बना पर क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, डीएस कॉस थीटा 90 ये जीरो हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको क्या बच गया था लास्टली, समतल वन और समतल टू को ऐड किए थे, तो समतल वन और समतल टू को जब ऐड किए तो क्या फाइनल बना है आपका, फाइव बराबर टू ई एस, और ये आपका डीएस जो दिया हुआ था
ये अल्पांश डीएस है और ये अल्पांश डीएस जो होता है गॉसियन पृष्ठ के लिए यूज किए थे, इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या मान लिए थे, एस मान लिए, तो उसके जगह पर हम क्या लेंगे एस, तो फाइनल जो फाई आया वो टू ई एस आया। ये परिभाषा से हमको क्या निकल गया, फ्लक्स निकल गया। गॉस के नियम से फ्लक्स निकालते हैं, तो गॉस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा की बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है गॉसियन पृष्ठ के लिए परिबद्ध आवेश होता है, तो परिबद्ध आवेश यानी किसी समतल सीट पर अगर किसी एक अल्पांश दूरी यानी अल्पांश एरिया का अगर हम लोग आवेश निकालें तो उस आवेश को हम लोग पृष्ठीय आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश। तो पृष्ठीय आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, यानी आवेश को हम लोग क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमारे क्या होगा, पृष्ठीय आ जाएगा। तो इसके लिए जो हम लोग माने हैं तो सिग्मा की बराबर क्या मान लिए, सिग्मा एस मान लिए, ठीक है। तो सिग्मा की जगह हम लोग को बैठा दिए, सिग्मा एस बैठा दिए, यहां से हम लोग का क्या हो गया, समीकरण तो मिला, यानी कि गॉस के नियम से परिभाषा से हम लोग को मिल गया फाइ। अब हमको इससे निकाल देना था ई, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिला है, तो 2es बराबर सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर क्या होगा, सिग्मा बटा 2e एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। ये था आपका आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। कुछ ऐसा समरीज है जिसको आप आसानी से देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा के लिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा, इसी वीडियो में आप देखोगे। ठीक है, देखिएगा, कुछ ऐसा आप लोग पृष्ठ लेते हैं कि प्लस और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र का स्थिति बनता है वो कैसा बनता है। दो मिनट, एक मिनट रुक जाओगे, ठीक है, देखिएगा। यहाँ पे सिर्फ दोस्त आपको E का विद्युत क्षेत्र का स्थिति को बताना है, साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल को दिखाना है, ठीक है। वो चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो पूरा अनुप्रयोग समझ में आ जाएगा दोस्त, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये सीट लिए, कुछ सीट ऐसा इस तरह से ले लिए जिस पर आवेश क्या था, प्लस 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 प्लस, मान लीजिए एक आवेश सीट ये ले लिए, प्लस 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 ये ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या इस तरह से ले लीजिए, इधर की ओर ले लीजिए प्लस को, प्लस 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 प्लस, चाहे सेम कंडीशन हो गया, प्लस तो समझ में आ जाएगा इसी से, माइनस को ले लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, एक ही लाइन में समझ रही है आप, माइनस 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 माइनस, ये प्लस प्लस की हो गया, ये क्या हो गया, माइनस की कारण। अब यहां पे हमको बताना है कि इसके लिए जो है फ्लक्स का मान बताइए कि क्या होगा, स्थिति बताइए आपकी क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस के लिए यानी प्लस का जो स्थिति होता है वो इधर की ओर होता है, यानी कि अपने से दूर जाता है, ठीक है। प्लस क्या करता है, अपने से दूर भेजता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे कि प्लस जो है अपने से क्या करेगा, दूर ही भेजेगा, इसमें भी आपका क्या होगा, अगर इधर प्लस है तो इधर भी हमारे लिए प्लस ही है, ठीक है। और ये माइनस क्या करता है, अपनी ओर खींचने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, अपनी ओर खींचने का ही काम करेगा, ठीक है। तो फाइनल जो आपका विद्युत क्षेत्र की स्थिति होगा, सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट इधर भी होगा, सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट इधर भी हो गया, प्लस या माइनस से मतलब नहीं है, बस यही मतलब है कि आपका विद्युत क्षेत्र का स्थिति किधर की ओर है। तो इसके लिए क्या होगा, सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसको अगर वन मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए, इसको इसके लिए क्या होगा टू, इसके लिए क्या होगा वन, इसके लिए क्या होगा टू, इसके लिए भी क्या होगा सिग्मा वन टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको यही देखने को मिलना चाहिए कि जो किसी तरह का सीट हो उससे हड़बड़ाना नहीं है, उसको टेंशन की बात नहीं है, हमको बस उसका एरिया को देख लेना है किधर की ओर उसका विद्युत क्षेत्र बन रहा है तथा किधर की ओर उसका क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है। तो ये किसी तरह के सीट के लिए आपका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज को आप समझ रहे हो। तो नेक्स्ट जो है आपका वीडियो हम लोग देखेंगे, अगला एक्सपेरिमेंट यानी अगला अनुप्रयोग देखेंगे गॉस के नियम का, वो क्या होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए, नहीं लगेगा फिर भी कमेंट करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करो दोस्त, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।